फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक ऐसा लेसन जहाँ अक्सर लर्नर कंफ्यूज रहते हैं। यानी आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा टॉपिक जिसका इस्तेमाल आप बहुत करते हैं, लेकिन अक्सर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका सही इस्तेमाल क्या है। फ्रेंड्स, कई बार आप अपने कॉन्वर्सेशन के दौरान दैट्स दैट, दैट्स इट और दैट्स ऑल बोलते हैं, यानी इन सभी वर्ड्स को बोलते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इसका करेक्ट इस्तेमाल क्या है? तो आइए फ्रेंड्स, इन तीनों वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। इन तीनों का मीनिंग एक जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। दैट्स दैट का मतलब होता है बस बात खत्म, और इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम अपने बात को खत्म करें, यानी किसी बात के खत्म होने पर बोला जाता है। जैसे अगर आपको कहना हो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, बस बात बंद करो या बस बात खत्म करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट डू दिस एंड दैट्स दैट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एंड दैट्स दैट का मतलब होता है अब बात खत्म करो, अब बस करो, यानी इसके आगे मैं कोई डिस्कशन नहीं चाहता, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, बस बात बंद करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट वेट एनी मोर एंड दैट्स दैट। आप उसे माफी मांगेंगे बस, या आप उसे माफी मांगेंगे बस बात खत्म, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू विल अपोलोजाइज हिम एंड दैट्स दैट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको दैट्स दैट का मतलब समझ में आया, कि जब आपको कहना हो कि बस या बस बात खत्म करो, बात बंद करो, तो आप कहेंगे एंड दैट्स दैट। आइए फ्रेंड देखें कि दैट्स ऑल का क्या इस्तेमाल है। फ्रेंड, दैट्स ऑल का इस्तेमाल हम पर्पज को दिखाने के लिए करते हैं, यानी मकसद दिखाने के लिए हम दैट्स ऑल का इस्तेमाल करते हैं, और इसका मीनिंग होता है बस और कुछ नहीं। जैसे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बस और कुछ नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉन्ट टू टॉक यू एंड दैट्स ऑल, यानी सिर्फ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दैट्स ऑल से पर्पज दिखाया गया, मकसद दिखाया गया, वह बस यहाँ ठहरना चाहता है और कुछ नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉन्ट्स टू स्टे हियर एंड दैट्स ऑल, यानी उसका मकसद सिर्फ यहाँ ठहरना है और कुछ नहीं है, वह बस मेरी दोस्त है और कुछ नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज माई फ्रेंड एंड दैट्स ऑल, यानी वह बस मेरी दोस्त है और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि दैट्स ऑल का इस्तेमाल से हम पर्पज को दिखाते हैं कि हमारा ये मकसद है, हमारा ये पर्पज है। आइए फ्रेंड देखें कि दैट्स इट क्या है। दैट्स इट का इस्तेमाल हम दैट्स दैट के जगह पर कर सकते हैं, यानी जो मीनिंग दैट्स दैट का वही मीनिंग दैट्स इट का। इन दोनों टॉपिक से हम एंड ऑफ डिस्कशन की बात करते हैं, यानी जब हम अपने डिस्कशन को खत्म करते हैं तो हम कहते हैं दैट्स इट या दैट्स दैट। जैसे अब और मैं तुम्हारी झूठ को नहीं सुन सकता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट्स इट आई कांट लिसन टू एनी मोर ऑफ योर लाइज, यानी बस अब मैं तुम्हारी और झूठ को नहीं सुन सकता। अगर आपको कहना हो कि बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट्स इट आई कांट बियर इट एनी मोर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया कि दैट्स दैट क्या है, दैट्स इट क्या है और दैट्स ऑल क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आप प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप सीखेंगे एक कंप्लीट लर्निंग, और मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।